अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ इंग्लिश में कुछ डैशेस जो रह गए थे लेसन फोर में, पेज नंबर 46 पर कुछ डैशेस थे, ये आज हम इनको फिलअप करेंगे। तो इसमें पहले इसमें हमें बताया गया है टिक एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इनमें से जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करके आगे स्पेस पर लिखना है उसको। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन, जो फाउंड ए गोल्ड कॉइन डायमंड बेंगल, यानी ये ऑप्शन है पब्लिक पेयरल नेकलेस ऑन द रोड साइड। हमने जो लेसन में पढ़ा है, स्टोरी में पढ़ा है, तो वहाँ पर उसने वो नेकलेस पाया है रोड साइड में, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है पेयरल नेकलेस। इसको यहाँ पर टिक भी करना है और यहाँ पर लिखना भी है। तो दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, जो बैडली नीडेड फूड मेडिसिन जॉब, ये तीन ऑप्शंस हैं। जो को क्या चाहिए था यानी वो किस चीज़ के तलाश में था इन तीनों में से, फूड मेडिसिन ए जॉब, गुज़ा दवाई या जॉब के लिए। तो हमने वहाँ लेसन में पढ़ा है कि वो जॉब के लिए तरस रहा था, यानी वो इसके तलाश में था, जॉब की तलाश में, ताकि वो फैमिली का सपोर्ट कर सकेगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जो वाज केयरिंग अनकेयरिंग ए रूड फादर, चूँकि हमने फादर के बारे में नहीं पढ़ा है स्टोरी में, वहाँ तो सिर्फ उसकी फैमिली मेंशन की गई है, सिर्फ वाइफ और उसके उसका सन, तो यहाँ पर हम अनकेयरिंग ही लगाएंगे, क्योंकि हमने फादर के बारे में वहाँ पर नहीं पढ़ा उसको फादर था या नहीं था, तो ये हमें वहाँ मेंशन नहीं दिया गया था, इसीलिए हम यहाँ पर इस अनकेयरिंग लिखेंगे इन दो ऑप्शनों में, केयरिंग और अनकेयरिंग। तो डी पार्ट है हमारा, जो वाज रिवॉर्डेड बाय ऑफरिंग मनी क्लॉथस ए जॉब, जब जो को वहाँ वो रिवॉर्ड मिला उस वापस करने पर, वो सोना वापस करने पर, हार वापस करने पर, तो उसको फिर उसके बदले में क्या दिया था, यानी ऑफर किस चीज़ की गई थी। मुनी यानी पैसे, क्लॉथस कपड़े, जॉब या काम। तो हमने वो पढ़ा था कि उसको वो जॉब मिला था, गार्डनर वो बन गया था वहाँ पर उसके घर में, तो जॉब इस जॉब पर टिक लगेगा और आगे मैंने लिख भी दिया। तो हमारा अब जो आखिरी है पांचवा ई पार्ट, जो वर्कड एज ए, तो जब जो ने काम पकड़ लिया तो एज क्या वो बना वहाँ पर मिस्टर जूनस के घर में, ड्राइवर, गार्डनर, टीचर। तो इन तीनों में से हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वो गार्डनर वहाँ पर बना, तो मैंने यहाँ पर इसको टिक किया गार्डनर पर और यहाँ पर लिख भी दिया है स्पेस में, यानी बागवान वो वहाँ बन गया और फिर वो खुशी खुशी घर का सपोर्ट करने लगा, और घर पर वो जो उसके बच्चे थे, लड़का लड़की और बीवी, उनको क्या ज़रूरत थी वो भी उसने पूरा किया। तो ये स्टोरी हमें इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।